को शुरू कर चुका है। इस समय दाएं छोर के खिलाड़ी को बॉल देते हुए साहिल एलेवन के पास है गेंद। सुबह अलग बात है कि थोड़ी बारिश की झमाझम हो रही थी, लेकिन मौसम खुलता हुआ मौसम साफ हो चुकी है और इसी साफ मौसम के साथ खेल का शुरुआत हुआ है साहिल एलेवन और एमएम बाम के बीच। और 9 नंबर के पास है गेंद, 9 नंबर अपने नियंत्रण में रखिए गेंद को, बढ़िया तालमेल। 11 नंबर के लिए गेंद को पास किया उन्होंने, नियंत्रण करने के बाद अग्रिम पंक्ति के किनारे तक ले जाने का प्रयास, लेकिन बैक पास करता हुआ, बैक पास करने के बाद गेंद को अपने नियंत्रण में रखकर फिर से छोटी पास देते हुए यहाँ पर मौका बनाने के लिए क्या कुछ करेंगे साहिल एलेवन की टीम। और यहाँ पर एक चकमा देने का प्रयास करता हुआ, लेकिन इसी बीच रेफरी महोदय की सीटी आई है, मैदान से बाहर चली गई थी गेंद, एक ट्रेन का मौका मिलेगा। और अगला मैच के लिए तैयार रहेंगे एमबीआर पटना और केबीएन 420 और एमबीआर पटना, आप दोनों टीम भी बिल्कुल तैयार रहेंगे अगला मैच खेलने के लिए। अपने साथी खिलाड़ी को यहाँ बार बार तो उछाला है से पहले हेडर करना चाहा। इस समय एमएम बाम के खिलाड़ी को मिलता हुआ तेजी दिखाते हुए यहाँ पर गेंद को सुंदर चकमा देने की कोशिश, लेकिन दोबारा प्रयास है अपने साथी खिलाड़ी तक पहुंचा ही गेंद को, और यहाँ मौका बना है एमएम बाम टीम के लिए, क्या कुछ करती है देखना पड़ेगा। बार पास है यहाँ पर, लेकिन गोलकीपर ने रोका गेंद को, डिफेंडर ने क्लियर की, फिर से मौका के लिए दोबारा प्रयास करते हुए इस समय एमएम बाम की टीम, लेकिन पिच की तरफ पास खेला मिडफील्डर के साथ, मिडफील्डर अपने नियंत्रण में रखिए गेंद को, छोटे पास के इस्तेमाल दाएं छोर के खिलाड़ी के लिए दिया उन्होंने, और यहाँ मौका बनी है लेकिन वापस हुई, और साहिल एलेवन के खिलाड़ी तेजी दिखाते हुए आक्रमण के लिए ले जाता हुआ गेंद को सेंटर लाइन के आसपास फील्ड करते हुए ले जा रहे हैं, और छोटे पास के इस्तेमाल बड़े पास यहाँ पर मौका दिए, देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे, लेकिन एमएम बाम के डिफेंडर ने गेंद को छीनने के बाद तेज रफ्तार के साथ गेंद को आगे बढ़ाते हुए 10 नंबर सुंदर पास खेला यहाँ पर उन्होंने अपने कब्जे में लेकर आगे बढ़ाते हुए, देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं एमएम बाम की टीम, जो कि 9 प्लेयर से खेल रही है एमएम बाम की टीम और 8 खिलाड़ी ही यहाँ पर खेलते हुए, और यहाँ पर एक अनुमति मिलता हुआ नवा खिलाड़ी को, और यहाँ फिर से एमएम बाम का मौका है, देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे, लंबी छाप के साथ गोल पोस्ट पर डालने का प्रयास, लेकिन गोलकीपर ने लपक लिया और थ्रो इन पास देते हुए। अभी बराबरी का मुकाबला होगा, दोनों टीम में 9 साइड यानी कि 9 प्लेयर आ चुके हैं, और इसी बीच रेफरी महोदय की सीटी, एक टिकल फॉल होता हुआ क्रिकेट का मौका मिलेगा साहिल एलेवन के खिलाड़ियों को। और साहिल एलेवन आज का प्रथम चक्कर का प्रथम मैच खेलते हुए बाम एमएम बाम के बीच खेलते हुए साहिल एलेवन को मिली गेंद, आक्रमण का मोमेंट बनता हुआ क्या कुछ करेंगे देखना पड़ेगा, चकमा देने की भरपूर प्रयास करता हुआ दो खिलाड़ी के बीच से पीछे लेकर आए हैं गेंद को, फिर से इसे मोड़ते हुए, और यहां बढ़िया मौका 7 नंबर के लिए, देखना पड़ेगा 7 नंबर क्या करेंगे, लेकिन डिफेंडर ने मात्र कवरिंग मात्र किए और गेंद चली गई मैदान से बाहर, और गोल किक का मौका होगा यहां पर, देखना पड़ेगा। अभी तक दोनों टीमें 0-0 के मुकाबले पर खेलते हुए किसी भी टीम को सफलता नहीं मिली है, लेकिन साहिल एलेवन को मिलता हुआ गेंद, छोटे पास के इस्तेमाल, और यहाँ रायचौक के खिलाड़ी 9 नंबर को देते हुए 9 नंबर अपने नियंत्रण में रखकर आक्रमण का मोमेंट बनाने के लिए, और यहाँ बड़े पास के लिए है, देखा पड़ेगा फील्डर क्या कुछ करते हैं, 11 नंबर के पास देखिए उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को देते हुए 5-6 आक्रमण का मोमेंट जोरदार निकाली जरूर यहाँ पर, लेकिन गोलकीपर के स्थानों में बढ़िया गोलकीपिंग का प्रदर्शन, बढ़िया जजमेंट की उन्होंने, और लपकने के बाद फिर से 11 नंबर को मिलता हुआ चकमा के बाद आक्रमण का मोमेंट लेने के लिए एक खिलाड़ी को चकमा दी उन्होंने, दूसरी बार चकमा दिए, दो खिलाड़ी छीनने में सफल हुए, फिर से मौका यहाँ पर अच्छी मोमेंट के साथ और बढ़िया कटिंग के साथ गेंद को अंदर तक लाने की कोशिश किया था उन्होंने, लेकिन गोलकीपर आगे आकर इस आक्रमण को नकारा, रोका और पास खेलते हुए।
बहुत सुंदर बहुत ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ इस समय छोटे पास के इस्तेमाल यहाँ पर किए हैं और यहाँ पर चकमा देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं मौका बनाने की कोशिश एक प्लेयर को चकमा चलाने समर्थन पास खेला है बाप टीम के खिलाड़ियों के पास एक खेला कदम का पूरी जोर कोशिश करते हुए लेकिन पीछे की तरफ लाना पड़ा इससे एक चकमा और यार पीछे की तरफ गेंद को लाया है जगह बनाने की कोशिश में खिलाड़ी को सुंदर चकमा दिए बढ़िया टेक्निक के साथ अपने बाई तरफ के खिलाड़ी को पास मिली है और क्या कुछ करते हैं अच्छी डाल है यहाँ पर मौका बनाने के लिए और हवा में जरूर भी गए लेकिन इसे चकमा देने में सफल फिर से गमन का मोमेंट अभी बना हुआ है छीनने की कोशिश करता हुआ साहिल अलीबंद के 10 नंबर के पास है उन्होंने नियंत्रण के गेंद को आगे बढ़ाने के भरपूर प्रयास करता हुआ उन्होंने विकेट कर दिया और उसके खिलाड़ी गेंद नंबर तक पहुंचाना चाहते थे लेकिन उससे पहले गेंद को रोकने में सफल हुए एमएम बाम के खिलाड़ी अगला मैच के लिए तैयार रहेंगे एमडीआर पटना और केपीएल 420 एमडीआर पटना और केपीएल 420 आप दोनों टीमों से निकलने का अनुरोध है कि आप लोग बिल्कुल तैयार होकर हमारे रेफरी डिवीजन में उपस्थित रहेंगे और जैसे ही खेल समाप्त होता है मैदान में प्रवेश करेंगे मुख्य अतिथि सम्मानित अतिथि मुख्य अतिथि भाव आज यही मंच को वंदन करिए सुश्री चंद्रणी मुर्मू सांसद केंद्र जिला सम्मानित अतिथि श्रीमती सागरिका साहू जिला चेयरमैन सम्मानित राष्ट्रपति आशीष चक्रवर्ती केन्द्र 6 नंबर के जिला परिषद सम्मानित अतिथि राष्ट्रपति श्रीमती सुनिली नायक ब्लॉक चेयरमैन हरचंदनपुर श्रीमती अपूर्व नायक सरपंच ठाकुर खेल चल रही एम एम बाम सही दस मध्य बाम तालमेल के साथ खेलते हुए साहिल अलीबंद को एक पीछे से पीछे एक कदम पीछे खेलते हुए एक स्विंग से पीछे चल रहे हैं साहिल अलीबंद की टीम और एमएम बाम की टीम बढ़िया प्रदर्शन करते हुए लेकिन यहाँ पर क्रॉस डालने का प्रयास गलत बात हुई साहिल अलीबंद इसका फायदा लेते हुए साहिल अलीबंद ने अपना नियंत्रण में रखकर गेंद को अगले अगले पति के खिलाड़ी तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर गोल को वापस करने का प्रयास है चार पांच ही बन रहा है जरूर लेकिन इनको चकमा देने का भरपूर प्रयास करता हुआ 14 नंबर कौन भी है गेंद जीतने का 14 नंबर है गेंद जीतने किया है चकमा देने की कोशिश लेकिन नाकाम बाप की खिलाड़ी हो गए अपने नियंत्रण में रखा है बाप लंबी छाल के साथ दाल चोर के खिलाड़ी को देखते हुए दाल चोर क्रैक विंगर को मिली है गेंद बैटर ने अपने नियंत्रण में रखकर इस समय और बड़े कांदर के साथ दूसरे गोल की बनास पर निकला पड़ेगा क्या करेंगे और सीधे पट्टी के क्रम में गेंद चली मैदान से बाहर एक गोलकीप के बाद खेल को आगे बढ़ाते हुए
देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे। बढ़िया पास है, अच्छी तालमेल बनाते हुए नौ नंबर के पास चकमा दिया साइकिल छीनने का प्रयास करता हुआ इतना, लेकिन पास करने में सफल देते हुए दस नंबर अपने नियंत्रण में रखी है गेंद को, चौदह नंबर के लिए गेंद को पास किया, चौदह नंबर अपने नियंत्रण में लेकिन गलत पास कर बैठे और इसी का फायदा लेते हुए एमएम बम ग्यारह नंबर को मिलती हुई गेंद अपने नियंत्रण में रखा लंबी चाल के साथ जिन्हें गोल पोस्ट की तरफ डालना चाहते थे उनको क्रॉस करने की जरूरत थी, खिलाने का जरूरत था लेकिन ऐसे नहीं कर पाए। और इस समय साहिल इलेवन के पास है, साहिल इलेवन बाएं चौथे दो नंबर को मिलता हुआ दो नंबर अपने नियंत्रण में रखकर गेंद को पीछे की तरफ पास किया है और सुंदर नियंत्रण के बाद यहाँ पर आक्रमण का मोमेंट बनता हुआ देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे। दूसरे खेल को चकमा देने के बाद बाएं पास यहाँ पर की क्या है गोल पोस्ट की तरफ जूनियर एक्सएल वर्सेस मार्चर्ची का आशीष एक्सएल तापरिवर्तित नायक और नायक पीडीआर वर्सेस मातारानी एफसी असफल और अभी तक एक एक के मुकाबले चौक के पोजिशन में मैच चलता हुआ।
काफी रोमांचक काफी सुंदर जट्टी आली के मैदान पर खेल चलता हुआ देखना पड़ेगा। महाबाजा महावीरा ठाकुरानी क्लब जट्टी आली मैदान पर खेलते हुए दोनों टीमें, आज फाइनल दिन है। आप सभी दर्शक बंधु दिल थाम कर बैठे रहे, कुछ ही चरणों बाद यानी कि आज फाइनल सेमीफाइनल और फाइनल मैच भी आप सबों को देखने को मिलेगा। प्रयास करने की कोशिश निकली थी, बीच रेफरी महोदय के सीटी उछले हुए खिलाड़ी को धक्का देने का प्रयास किया, इसलिए फॉल करा दिए रेफरी महोदय ने। नियम नंबर 12 का पालन करता हुआ लॉ नंबर 12 का यहां पर प्रयोग करते हुए फिर से 12 नंबर के लिए पास किया है आगे बढ़ाते हुए, लेकिन गलत पास कर रहे थे। टॉप में मैच चलता हुआ देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे। बढ़िया मौका बनाने की कोशिश में बाएं पास यहां पर पास किया है, प्ले ऑन के इशारा है रेफरी महोदय का, और यहां रखने की कोशिश और पट देते हुए, और यहां बढ़िया मौका 14 नंबर के लिए, एक को रिसीव किए हैं आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन इन्होंने तो फिर से 14 नंबर को मिली है गेंद, यहां पर बड़े किक के साथ गेंद को सीधे गोल पर। काफी सुंदर काफी रोमांचक मुकाबला होता हुआ पहला मैच में ही अभी तक 3 गोल हुए हैं। बाम एमएम बाम की टीम 1 गोल किए हैं और 2 गोल यहां पर आई है साहिल इलेवन की टीम का। नियंत्रण में रखी है आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे गेंद को पास किया, उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की गलती कर बैठे लेते हुए छोटे पास के इस्तेमाल यहाँ पर बढ़िया मोमेंट बनाने की कोशिश है और पीछे की तरफ उन्होंने फिर से लाने में मजबूर हो गया। 2-1 के मुकाबले पर खेलते हुए साहिल इलेवन 2-1 से बढ़त बनाई हुई है, 2 गोल किए हैं मैच में, और यहाँ मौका बनाने के लिए बाम के खिलाड़ी के पास बड़े पास देते हुए उन्होंने मेरे को मिली है गेंद, आक्रमण का मोमेंट है यहाँ पर, 1 गोल करते हुए बाम के 2 पोजिशन में आएगी मैच और इसी को भरपूर कोशिश करता हूँ बड़े तालमेल नहीं गए क्योंकि रोकने में सफल हुए थे डिफेंडर, और 7 नंबर को देने के बाद तेजी दिखाते हुए 7 नंबर एक खिलाड़ी को चकमा देने के भरपूर प्रयास करते हुए तेजी से 17 नंबर को मिली है यहाँ पर 5-6 17 रन करने की कोशिश और बड़े पास करता हुआ मोमेंट बढ़ी है यहाँ पर
दोनों बंदों साथ तालमेल बनाना चाहते थे लेकिन गलत बात कर बैठे। फिर से बाम को मिलता हुआ नीचे की तरफ लेकर आए गेंद को, अपने नियंत्रण में रखकर गेंद को आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं लेकिन गलत बात हुई। दोनों बंद मिली है, उन्होंने सीधे सत्र के साथ तालमेल बनाई और सुधर उचार के साथ कोई पुष्पट में डालना चाहते थे लेकिन गोलकीपर ने रोका, पकड़ा अपने हाथों से और आगे बढ़ाते हुए गेंद को एमएम बाम के खिलाड़ियों के द्वारा एक छोटे पास के इस्तेमाल देते हुए आगे बढ़ाने का नौ नंबर के लिए नौ नंबर अपने नियंत्रण में रखिए। छोटे पास के इस्तेमाल मौका बनाने की कोशिश है, देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे। एक चक्का देने का भरपूर प्रयास देखना पड़ेगा यहाँ पर डांसो से बड़े उत्साह के साथ डाली गोल के लिए लेकिन गेंद चली गई मैदान से बाहर। एक अच्छा मोमेंट हो सकता था एमएम बाम टीम के लिए। सही है कि उसी पत्र बॉल माइनस पास कर चुके ये खेलता था वो अंतराल जुटा जो पत्र बॉल कर चुके थे दिल्ली के उत्साह के बारे में एमएम बाम पकड़ बॉल पांच नंबर के पांच नंबर के वो नीचे खेल पास है इतने की तो कर रहे थोड़ी है इतने बहुत कम सुनता सही लेकर स्पकर बॉल राइट आउट रो राइट आउट उसको तो दुखते होते हैं बोल को आम जो मेरे खड़े होते हैं यही करें हम इन बांध भाई रुकता पूरे बाहर उसके रुक एक दो खेल पसर रही खेल चारी रखी हुई है इन बांध एवं दो